हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एन कॉलेज सेंटर पे हैं। 13 अप्रैल लास्ट डेट है वीआईटी का। हम बच्चे का रिव्यू ले रहे हैं, तो हमने थ्रू द एग्जामिनेशन सारे शिफ्ट का हम लोग रिव्यू लिए हुए हम लोग। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो आएगा हमने उसमें कट ऑफ का लाना है। हमें कट ऑफ क्या जाएगा एग्ज़ाम का, क्या नेक्स्ट प्रोसेस होगा आफ्टर एग्जामिनेशन, उसके लिए हम लोग प्रॉपर वीडियो लाएंगे। आज का एग्ज़ाम भी नॉर्मल था, आपका मॉडरेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। सो फॉलो अस फॉर नेक्स्ट वीडियो। एग्जाम दिया क्या, रिव्यू वीआईटी एग्जाम दिए थे क्या, कैसे गया क्वेश्चन आपका? बहुत अच्छा था। क्या नाम है? अंजलि राज। अंजलि राज, कितने क्वेश्चन किया आज अंजलि आपने? 110 करेक्ट करा है सब, या कुछ तुक्का भी मार दिया? नहीं नहीं, सारा करेक्ट, सारे करेक्ट। तुमने आपने फुल 125 अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? कुछ नहीं भी आ रहा था। अच्छा, तो पोर्शन से जो था वो नहीं, तो इसमें नेगेटिव नहीं है तो बच्चे सारे कर दे रहे, तो आपने छोड़ दिया? तुक्का में नहीं होता, नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन होता है, आपको पता है मतलब है ना कि नेगेटिव मार्क्स से वो रैंक कम हो जाता है। चलो अच्छी बात है। तो ये टाइम का इशू हो रहा है या फिर आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा इसलिए आप छोड़ दिया आपने? नहीं, क्वेश्चन नहीं आ रहा था इसलिए छोड़ दिया। क्वेश्चन टाइम का कोई इशू नहीं है ना, टाइम टोटल। क्वेश्चन लेवल कैसा था? ठीक था, मॉडरेट था। तो मैथ्स का कितना क्वेश्चन किया? 40 out of 40 40 out of 30 गया। तो केमिस्ट्री फिजिक्स में? केमिस्ट्री में सारा हो गया था, सारा हो गया था। फिजिक्स में सारा हो गया था? नहीं, फिजिक्स में 25। तो क्वेश्चन लेवल सही है ना, बट मैंने ये कट ऑफ जाएगा हाई इसका, आई होप लास्ट एग्जाम है आज तो खैर। तो आप जेमिस दिया था क्या आपने? कितने पर्सेंटाइल बने? 95। गुड। तो दोनों सेशन दिया था कि दोनों सेशन में बेस्ट 95 जा रहा क्या? ये सेकंड वाला कि फर्स्ट वाले में? सेकंड वाला। इसका अलावा कौन सा एग्जाम दे रहे हैं आप? बस यही वीआईटी। तो आपका तो एडवांस, अच्छा इस बार एडवांस के लिए देख रहे हैं वीआईटी, अदरवाइज जेमिस है ना, यही आपका टारगेट है। तो अगर सपोज आपका एनआईटीज मिलते हैं तो वीआईटी एनआईटीज किसको चूज करेंगे? वो तो समय का टाइम बताएगा। समय टाइम, चलो कोई बात नहीं है। देखो हमारा एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है, हम लोग काउंसलिंग रिलेटेड सारे अपडेट बनाते हैं। सो हम लोग जोसा काउंसलिंग भी करेंगे, सो यू कैन फॉलो अस फॉर मोर डिटेल्स एंड अपडेट। राइट, कैसा एग्जाम बताओ, दादा क्वेश्चन लेवल कैसा गया? क्वेश्चन तो ठीक था। कितना क्वेश्चन करा आपने? 85 अटेम्प्ट किए। टाइम नहीं मिल रहा या फिर क्वेश्चन टफ था? नहीं नहीं, क्वेश्चन तो सही थे, थ्योरी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे, मतलब थ्योरी बेस्ड ज़्यादा थे। मैथ्स में कितने कर लिए आपने? मैथ्स में तो लगभग वही 30 के आसपास बना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब लास्ट एग्जाम है तो मतलब क्या लगा कि आप क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन थोड़ा टफ था पिछले बार, जो 10 दिन से अब जो क्वेश्चन लेवल आ रहा है तो उसके कंपेयर ये आज का लास्ट टफ था क्या? हाँ, थोड़ा सा टफ था। टफ था। तो इसके अलावा जेमिस भी दिया था क्या आपने? हाँ। कितने पर्सेंटाइल बने हैं उसमें? तो 82% आया। चलो ठीक है। देखो हमारा एजुकेशन जी यूट्यूब चैनल है, हम लोग काउंसिल रिलेटेड सपोर्ट देते हैं, ठीक है। कैसे है क्वेश्चन, थोड़ा इधर आइए, क्वेश्चन लेवल थोड़ा बता दीजिएगा। क्या नाम है? सर्वेश रंजन। सर्वेश रंजन कहाँ से है सर्वेश? जमालपुर मुंगेर। जमालपुर मुंगेर से। कैसा था क्वेश्चन आज का? ईजी था। मतलब कंपेयर किया जब 11 दिन से जो क्वेश्चन लेवल आ रहा है उससे आज कंपेयर तो ईजी था कि टफ था आज का? मॉडरेट ही था, समथिंग। 125 कितने कर दिया आपने सर्वेश? टोटली नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, मतलब टोटली मारा मैंने। तुमने तुक्का मारा यानी कि आपने, है ना? तुक्का मारना जरूरी है मतलब, है ना? चलो इसमें तुक्का में नहीं मारना चाहिए क्योंकि फिर आपका रैंक थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो 125 में कितने आपने सही करा होगा, क्या लग रहा है आपको? 80-85। तो क्या क्वेश्चन लेवल मैथ फिजिक्स का अगर केमिस्ट्री देखा जाए तो सबसे ईजी कौन सा सब्जेक्ट था आज का? केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरे को। मैथ थोड़ा सा लेंदी था क्या? अच्छा, जेमिस में दिया था क्या आपने? नहीं, जेमिस में दिया, कोई बात नहीं। देखो हमारा एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, हम लोग काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट बनाते हैं, जो भी क्वेश्चन लेवल ऑफ एग्जाम होता है ना उसके बेस पे, ठीक है। सो यू कैन फॉलो अस, राइट।